हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आपको, एंड आई विल टेक यू बैक टू दैट थिंग, एंड देन वील सी इन ईच टॉपिक व्हाट इज द प्रोग्नोसिस यू कैन मेक आउट ऑफ ईच, हम क्या आगे देख सकते हैं. ये सब डिस्कस करने के बाद, ये 7 वीडियो क्लिप्स देखने के बाद, हम फिर देखेंगे कि ओवरऑल असेसमेंट क्या होता है. और जैसे दुष्यंत सिंह ने बताया, वी विल हैव टू सी इन व्हाट इज इंडिया का रवैया क्या होगा, इंडिया का रणनीति क्या होगा, क्योंकि आखिर ये पूरा सीरीज हम कर रहे हैं, इंडिया का रणनीति क्या होना चाहिए. राइट ओके. तो मैं अभी ये वीडियो शुरू करता हूँ, राइट, सो दैट वी ओके. का पूरा आज का जो वार्तालाप हुआ है, जो डिस्कशन हुआ, ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान आर्मी के बारे में है, जो मैंने और जनरल गौतम मूर्ति साहब ने किया था. इसमें आपको पूरा बताया जाएगा संक्षिप्त रूप में पाकिस्तान आर्मी का क्या आज का स्टेटस क्या है, और इनका जो नॉर्मल बोलते रहते हैं स्ट्रेटजिक डेप्थ, उसका क्या सिलसिला है. संक्षिप्त में अगर मैं बताना, आपका पूरा आज का जो वार्तालाप हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ कि पहले पाकिस्तान आर्मी, देयर इज अ डीप रिफ्ट इन द पाकिस्तान आर्मी, दे आर डिवाइडेड फ्रॉम, यू नो, द टॉप रैंक्स आर डिवाइडेड, देयर इज अ डिवाइड बिटवीन द टॉप रैंक्स एंड द बॉटम, राइट, एज पर द हिस्ट्री. द वेटरन्स एंड द सर्विंग पीपल, देयर इज अ क्लियर डिवाइड, एंड देयर डिवाइडेड ऑन पोलिटिकल लाइन्स. सम ऑफ देम आर सपोर्टिंग इमरान खान एंड सम आर सपोर्टिंग द करंट गवर्नमेंट. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द करंट चीफ, इफ इमरान कम्स इन टू पावर, दे ही विल बी एट लॉगरहेड्स विद द करंट चीफ. देयर आर ऑल्सो रूमर्स विच आई हैव सीन वेयर दे से द करंट चीफ is not popular and hence this business of project stability, right? And Pakistan army has a history of coups, as General Murthy has explained. It is not so well equipped still. There are regular attacks against TTP, I mean by TTP against the armed forces, and Pakistan army is not able to do anything about it. They are also not able to influence the politics for whatever reason, whether it is because they want to politically stay away or not. So, उनका हालत बड़ा कस्ता है. और आपने जैसे बताया है कि अगर कुछ पाकिस्तान आर्मी में रिफ्ट आ गया, कुछ हो गया, कुछ म्यूटिनी हो गया, म्यूटिनी होने का भी असर है और आसार है, हमें मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब इट इज एब्सोल्युटली इन अ फ्रजाइल स्टेट. कांच की तरह कभी भी टूट सकता है पाकिस्तान आर्मी. मैंने अपने जिंदगी में पाकिस्तान आर्मी को इतना वीक पोजीशन में आज तक नहीं देखा, जहां लोग चौकीदार को चोर बोल रहे हैं. दिस रिपरकशंस ऑफ अ रिफ्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग. मैंने पहले ही बताया था कि आपको कि ये ऐसे डैमेजिंग कभी हमने समझा नहीं और कभी पहले हमने देखा नहीं, जो आज का इनका जो सूरत हाल है. ना पैसा है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इज कंप्लीट. टुडे आई मे नॉट बी एग्जैजरेटिंग इफ आई से अफगानिस्तान इज मोस्ट स्टेबल. आई एम सॉरी टू बी सेइंग दैट, बट इफ यू कैन सी द अफगान गवर्नमेंट, दे मे बी वेरी ब्रूटल, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट दे आर स्टेबल, दे अपीयरिंग टू बी मोर स्टेबल देन पाकिस्तान. सो किसने किसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ अभी प्रोवाइड किया है, उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ थ्योरी कहाँ चला गया? और देखिए, अभी अगर ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये अपनाते नहीं और इलेक्शन नहीं होगा 14th मई को, एंड आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज द चीफ जस्टिस इज आल्सो बीइंग ओवररूल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द आर्मी, देन इस्लामिक एलिमेंट्स अलाइड टू इमरान खान विल अस्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस विद इन द पाकिस्तानी आर्मी. राइट हमने देखा कि दो मुद्दे निकले आए हैं इसमें, दैट पाकिस्तान आर्मी में रिफ्ट है और दूसरा इनका स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है ना वो हो रहे हैं. पर मेरा सवाल ये है
कि विल दे रिकवर, इफ दे डू रिकवर विल दे एक्सटर्नलाइज. ये जो अभी जम्मू में जो ये रजौरी में जो अटैक हुआ है, ये इज इट द इंडिकेशन ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग एंड रिवाइवलिंग एंड यू नो पुटिंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस इनटू आवर बॉर्डर? वेयर डू यू सी दिस गोइंग? पहले जनरल दुआ आप बात कीजिए एक मिनट, उसके बाद वी विल गेट जनरल दुष्यंत. ओवर टू यू जनरल दुआ. जी थैंक यू. देखिए एक्सटर्नलाइज तो ये करेंगे, हमने ऑलरेडी उसका इंडिकेशन देख लिया. जैसे आपने कहा कि टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ये अभी हाल ही में एक और स्टेटमेंट आई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यहाँ पर G20 की मीट के लिए आएंगे, तो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के लिए आएंगे. तो जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और उसके अगले ही दिन या शायद दो दिन बाद ये घटना हुई. दूसरी तरफ से हमने देखा है, ये कल या परसों की बात है, जब इलेक्शंस के एवज में जब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि इलेक्शंस किए जाएं, उसमें एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसमें ये कहा गया है, उन्होंने पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ने ये जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हालात बहुत नाजुक हैं इंटरनल टेररिज्म वाइज सिक्योरिटी वाइज, और तो और उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि इंडिया के साथ ऑल आउट वॉर के भी चांसेस हैं और ऐसे सूरत हाल में इलेक्शंस कराना मुनासिब नहीं होगा. सो जैसे कि जनरल गौतम मूर्ति ने भी कहा था और आप लोगों ने कहा कि बातचीत की थी कि इलेक्शंस तो लगता नहीं है कि होंगे. लेकिन खत्म करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम अगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान आर्मी में रिफ्ट है, लेकिन मेरी समझ से पाकिस्तान आर्मी इज ऑल्सो अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, हमें यह मानना पड़ेगा, हम कई बार उनसे जूझ चुके हैं. तो उस हालत में मैं एक कुछ सेकंड में खत्म करता हूं. तो इतनी प्रोफेशनल आर्मी में कुछ दरारें आ जाएं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जैसे आपकी डिस्कशन में जो हमने सुना संक्षेप में, कि बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है और दो हिस्से होने वाले हैं, कुछ दरारें होंगी, कुछ हल्की टर्बुलेंस आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान आर्मी भी एक उसकी भी एक सॉलिड फाउंडेशन है, उसकी बहुत सारी वजह है, वो डिस्कशन नहीं करूंगा. राइट, सो वेल देन दुष्यंत इज गॉन ऑफ, सो वी विल कंटिन्यू. सो द पॉइंट इज व्हाट यू आर सेइंग इज दैट पाकिस्तान आर्मी इज माइट नॉट हैव सच अ बिग रिफ्ट. I agree with you, but there's a rift that also has to be there, right? It is not as strong as it was once upon a time. Ye to bhi hai. So there is a iffy thing. But the more important point which they come out is they can externalize the situation. Yes. That is the danger which we'll have to guard against. Okay. The second discussion which you and I had was about the return of Mr. Imran Khan back to power. We've lost General Dushyant. If he comes back, we'll continue with him, but till then you and I can continue. So I'll play those clips and then we will review what we did and then see where we are going. Okay, right. Meri samajh se Imran Khan aaj ki tareekh mein agar aap election kara dete hain to Imran Khan उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, उनका वोट शेयर शायद 50% से ज्यादा, 60% के आसपास हम बात सुन रहे हैं, तो उनका वापस सत्ता में आना निश्चित लग रहा है. लेकिन क्या वो आर्मी को एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं, ये देखना बाकी है. क्या कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन कराएगी या नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में कोर्ट की पावर को क्लिप करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ने एक बिल भेजा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अलवी ने उसको वापस कर दिया है, तो अभी वो थोड़ी टसल, पॉलिटिकल टसल चल रही है. और अगर ये इलेक्शन अभी ना होकर के बाद में होते हैं, तब तक की डायनेमिक क्या होती है हम कह नहीं सकते, कि अगर ये सत्ता में आ गए, इस सत्ता में तभी आ पाएंगे जब आर्मी में फेरबदल आए. और अगर आर्मी दूसरी तरफ रही बात इकोनॉमी की, वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होने वाला है इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिवाइवल, तो वो देखना बाकी रहेगा कि वो कैसे इस देश को इंटरनल स्थिति
को हैंडल करेंगे, खास तौर पे जब हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि दूसरी तरफ जो है एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को भी एक बढ़ावा मिलने की चांसेस हैं। तो ऐसे हालात में और जब डिप्लोमेसी हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी लो रहेंगे, तो फिर ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान डिसइंटीग्रेशन के कगार पे खड़ा होगा? ये सवाल उठने जरूरी है। मैं राइट तो जैसे हमने डिस्कस किया, ये प्रॉब्लम है। इमरान खान अगर वो वापस आएंगे, इवन इफ ही रिटर्न्स, इट विल नॉट बी अ ग्रेट थिंग, राइट? नथिंग मच विल चेंज, दैट वी आर वेरी क्लियर ऑफ। बट द क्वेश्चन, जिस तरीके से जिस दिन से हमने बात किया और आज तक जो घटनाएं घटी हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसे लग रहा है कि इमरान खान विल बी केप्ट अवे। ऑल थिंग बाय द पीडीएम एंड द आर्मी इज एंड दे आर प्रेशराइजिंग द जुडिशरी नॉट टू अलाउ हिम टू कम बैक एंड नॉट टू होल्ड इलेक्शंस एंड समहाउ पुश इट टिल अक्टूबर एंड सी व्हाट हैपेंस। इन सच अ केस देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट इमरान खान विल गेट असैसिनेटेड। इफ ऑल दिस हैपेंस, वेयर डू यू सी पाकिस्तान गोइंग एंड व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैं जयशंकर आपकी इस बात तक तो सहमत हूं कि एक एफर्ट रहेगा इन सब की तरफ से कि इमरान खान को दूर रखा जाए, क्योंकि जैसे हमने चर्चा की थी आज की तारीख में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो पावर में आ जाएगा अगर आज इलेक्शन हुए। लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे ये हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली कि ऑलरेडी जवाब दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने कि क्यों इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। अब अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? इलेक्शन पहले एक मिनट में और चाहूंगा, कुछ सेकंड और चाहूंगा कहने के लिए कि अगर इमरान खान पावर में आ जाते हैं तो पैराडॉक्स ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी भले हो लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई गुडविल नहीं है इंटरनली इलेक्शन जीत पाएंगे। इंटरनली इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन उनके पास कोई प्लान और गुडविल नहीं है विदेशों में भी कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस या डिप्लोमेटिक क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाएंगे। ये बात अच्छा, इलेक्शन में अगर वो नहीं आते हैं तब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगले छह महीने में क्या होगा। तो अगले छह महीने में क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा? इकोनॉमी उनकी शैम्बल्स में है, शायद उनको एक आध कोई लोन मिल जाए, और अगर उनको एक आध लोन मिल जाए तो थोड़ी उनको मतलब दे विल बी नोज अबव वाटर, थोड़ी उनको सांस और थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन पॉलिटिकली क्या होगा? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मेरी समझ से पॉलिटिकली इनको एक कंसेंसस कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ वापस आने की बात की अब बात हम सुन रहे हैं कि उम्मा के बाद वो जा रहे हैं उधर मक्का, और उसके बाद शायद वापस आ जाएं, और अगर आते हैं तो फिर इनके पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा? अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो फिर इनकी पॉलिटिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उनको इमरान खान को कैसे बाहर रखेंगे उस पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वो इलेक्शंस ही नहीं करेंगे। हाँ, उसमें काफी रोष होगा, थोड़े से प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, क्या वो उसको काबू कर पाएंगे? टीटीपी का उनको साथ है, क्या टीटीपी उसको उस पर दबाव डालेगी? तो आने वाले समय में भारत के लिए ये जरूरी है कि हम इसको इस पे एक पैनी नजर रखें, क्योंकि जैसे हम आगे चर्चा करेंगे यहां पे जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे उसका सीधा असर हमारे पे और हमारे तालुकात पे पड़ता है और हमारे आपस के डायनेमिक्स में पड़ता है। या जनरल दुष्यंत इज बैक। हम सिर्फ अब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान वापस आएगा, पर अगर वो आ भी जाएगा तो कुछ कास्ट बदली नहीं होगा क्योंकि उसके पास कास्ट प्लान नहीं है, राइट? तो हमारा चर्चा ये है कि इसके आने से क्या फर्क होगा? क्या इसको आने दिया जाएगा? क्या पॉलिटिक्स होंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये पूरा कहानी? क्या एक कंसेंसस कैंडिडेट को आगे करेंगे या कर पाएंगे, राइट? ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन। So what are your views? A quick view and then we will go, because you didn't see the video. I will not force a great opinion from you. Whatever you say, I think it will be okay.
देखिए जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जहां तक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है, यहां हमने देखा है कि इमरान खान पॉपुलैरिटी वाइज इस समय काफी ज्यादा आगे हैं, 67-70% गैलप पॉल में भी उनका यही एक I think you take your video off, you'll get the adequate bandwidth with you. Take your video off, Dinesh Dushyant. Okay, we'll remove him. When he comes back, we'll take this. Yeah. Okay. तो हम आगे बढ़ते हैं. जो हमने तीसरा बात किया, right? जो हमने तीसरा जो बातचीत किया और तीसरा किस्से में हमने रेडिकलाइजेशन के बारे में बात किया. एंड वी आई स्पोक टू मिस्टर संजय दीक्षित ऑफ जयपुर डायलॉग्स एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से. राइट, सी दिस, ये उन्हीं का है, सबीर नजीर का. राइट, व्हाट जियाउल हक, व्हेन यू पुट द एंटायर कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर एंड यू नो एवरीथिंग Quranic in the constitution, and he made it a theocratic state. He started ruining, right? And today, what is Pakistan? Is this? You're looking at sectarianism. You're looking at, you know, all kinds of hate literature, everything. Yahan tak, if you read Parvez Hoodboy, he says that even in science, they have brought Quranic concepts. मैं आपको बताता हूँ. कल, yesterday, मैं host कर रहा था Khalid Umar को. Okay. तो खालिद उमर ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर. ओके, जो वो कहते हैं कि दिस द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान. राइट, तो ज़ियाउल हक़ के बाद इस्लामिक स्टडीज जो है वो हर करिकुलम का पार्ट बन गया. Yeah. और ये जो इनकी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग लाहौर, उसका भी पार्ट बन गया. तो उसका, उसकी जो फैकल्टी थी उस समय, खालिद उमर बता रहे थे कि जब वो पढ़ रहे थे तो उस इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो था हाफिज सईद. Okay. इनके जितने भी सेक्ट्स हैं ये सारे के सारे वायलेंट हैं, सारे के सारे शरीयत फॉलो करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कव्वाली गाते हैं. Where do you see Pakistan going? One, I'll come back to the same question, right? If it doesn't disintegrate, how will it exist? In what shape will it exist? Because that's what we are finally interested in. It will exist like Somalia. Okay. If it does exist. It does exist. मुझे ऐसा लगता है कि ये बिखरेगा. और बिखरेगा क्यों? एक तो क्या है कि जो economic disruption हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? इसके यहाँ बड़ी एक सीरियस जो प्रॉब्लम, इनका जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो इनका इस्लामिक रिपब्लिक होना या इस्लामिक डेमोक्रेसी होना. डू यू फोरसी देम ब्रेकिंग? आई डू फोरसी देम ब्रेकिंग. आई कांट अ पाथ, आई कांट प्रिडिक्ट अ पाथवे एंड आई कांट प्रिडिक्ट टाइमलाइन. बट इफ दे आर नॉट प्रॉप्ड अप अगेन बाय द वेस्ट, they will definitely break up, maybe in 5 years or 10 or 15, we don't know. Right. Okay. So the points which came out with my talk with Mr. Sanjay Dixit, jo point nikal aaye hain, wo ye hain ki Pakistan is completely radicalized. It doesn't need anything. We all know it. और इनका रेडिकलाइजेशन इस हद तक पहुंच गया है, इनका सोच ये है कि पाकिस्तान बिकरेगा. राइट, देयर आर टू ऑप्शंस उन्होंने बोला है. इट माइट बिकम लाइक सोमालिया. राइट, अल्टरनेटली इट कुड जस्ट ब्रेक अप, एंड दैट ब्रेकअप कुड हैपन ओवर द नेक्स्ट 5-10 years, ओवर अ लॉन्ग टर्म थिंग. कंबाइंड विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वेयर इज इट गोइंग, what do you think is your opinion on all this? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं. ओके, देखिए, पाकिस्तान सोमालिया की तरह बन जाएगा या पाकिस्तान ब्रेकअप कर जाएगा,
इन दोनों चीजों में मुझे थोड़ा मतलब ये चीजों से मानने में मुझे थोड़ा संकोच है, रिलक्टेंस है। वो इसलिए कि पाकिस्तान सोमालिया की तरह इसलिए नहीं बन सकता या ब्रेकअप इसलिए नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, मतलब आसानी से ऐसे ब्रेकअप नहीं होने वाला। हम मुझे लगता है कि हम बड़ी ग्लिबली इसके बारे में बातचीत करते हैं, और वजह मैं देता हूं, दो मेन वजह, बल्कि शायद तीन। पहली वजह, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है। इतना आसान नहीं है ये कहना कि एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री को ब्रेकअप हो जाएगा। दुनिया पूरी भुगत रही है और देख रही है कि क्या हुआ था जब यूक्रेन के न्यूक्लियर वॉरियर्स निकाले थे, जब यूएसएसआर ब्रेकअप करके यूएसएसआर ब्रेकअप करके अलग अलग कंट्रीज बने, रशिया और यूक्रेन अलग हुए, उसकी चर्चा ना करते हुए। दूसरी वजह मेरी तरफ से, मेरी समझ से, पाकिस्तान आर्मी, जैसे मैं पहले कह चुका हूं जब हम आर्मी की चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी एक स्ट्रॉन्ग और पोटेंट फोर्स है। सोमालिया में या किसी और बात करें तो ऐसा फोर्स नहीं है। अब लीबिया का एग्जांपल लें कि लीबिया में जब न्यूक्लियर वेपन्स है तो कब प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए मैं समझता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स के चलते और पाकिस्तान आर्मी के एक प्रोफेशनल फोर्स होने के नाते से पाकिस्तान का ब्रेकअप होना, डिसइंटीग्रेट होना, सोमालिया बनना इतना आसान नहीं है। तो ये मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और आखिरी चीज मुझे कहने दीजिए, तीसरा पॉइंट वो ये कि जैसे मिस्टर दीक्षित ने कहा, इफ वेस्ट डज नॉट सपोर्ट देम, आई थिंक वेस्ट विल सपोर्ट देम। मतलब आज की तारीख में नहीं दे रहे हैं ज्यादा, लेकिन वेस्ट इसलिए सपोर्ट करना चाहेगा क्योंकि वो उनकी फ्रंटलाइन स्टेट रहेगी, न सिर्फ चीन के खिलाफ बट इवन इंडिया के खिलाफ। आने वाले समय में इंडिया भी एक थ्रेट बन सकता है, यानी कि एक कंपटीटर बन सकता है। आई विल गो विद यू। सो व्हाट यू आर सेइंग इज देयर इज नो लॉजिकल रीजन फॉर पाकिस्तान टू ब्रेक अप और बिकम सोमालिया, बिकॉज पॉलिटिकली, या पॉलिटिकली टू, या वही लेट मी कम टू इट। Army is strong and politically there's no reason for a breakup. You see, there's no moment for a breakup politically. Okay, so what we are now have is two choices, two eventualities could happen, right? One view is that there's a likelihood of breakup or somalization of Pakistan, and the second view is that it might not happen. Okay, we'll leave it at that. Because both, you know, we don't know what the future holds, but something, we might end up somewhere in between this, right? So the whole range is open. We need to hope this thing. Yeah, at this point of time, the way things are evolving in Pakistan, we might not see a breakup or a somalization, but who knows? We'll leave it at that. Okay. The next thing, which is important for the future of Pakistan, is the CPC itself. Because the CPEC was supposed to change the fortunes of Pakistan. But what CPEC has become, we all know. And I had a long chat with General KJ Singh, who has done a lot of research on this. I'll play out the important aspects of what we discussed about the CPEC and all that. Because that gives you a clue as to where the future is. Right? So, we'll just play that clip. Yeah. द बिग थिंग जो आपने बोला है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, एट द लास्ट मिनट आके कुछ ना कुछ देता रहेगा, इट ट्रिकल फीड इट टू कीप इट अप। जनरल दुष्यंत, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन हियर यू, आई हैव गॉन टू द थर्ड नेटवर्क ऑफ माइन। ओह ग्रेट, थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। राइट, वी आर नाउ डिस्कसिंग द सीपीईसी, राइट? एट द सेम टाइम इट विल नॉट रेस्क्यू पाकिस्तान। तो जैसे वो अजीत बोलता था ना, लिक्विड ऑक्सीजन दो तो ना मरे ना जिए, दैट काइंड, राइट? वेस्टर्न नेशन इसको डूबने नहीं देंगे, चाइना इसको भी तक बचाएगा नहीं, मरना नहीं देगा। तो ये चल रहा बिल्कुल ठीक है, राइट? सो दैट इज द स्टेटस। रही बात बाकी, क्या ये सीपीसी विल इट टर्न अराउंड? इट इज वेरी क्लियर, इट विल नॉट टर्न अराउंड, राइट? इट CPEC will not be, even अगर कोई narrative निकले कि कल के दिन ठीक है भाई सब आके पैसा दो और इसको धक्का लगाओ और CPEC को दोबारा बनाओ, make it an engine of growth for Pakistan, it's not going to happen, right?
इनफैक्ट प्लानिंग ही गलत थी। देखिए जनशंकर, वो मैं देखिए कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में एक साल में 2 से 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा एफडीआई अब्सॉर्ब ही नहीं हो सकता। कि रिवाइवल ऑफ सीपीसी इज नॉट पॉसिबल, सीपीसी कैन नॉट रिवाइव पाकिस्तान्स फॉर्च्यून्स इवन इफ पर गेम चेंजर तो है ही नहीं है ये नहीं नहीं गेम चेंजर तो उल्टा हो गया। और जितना ये कर्जा पाकिस्तान के सर पे है वो और बढ़ता जाएगा, राइट। और इनको एक टाइम आना आने का अंदेशा है जहां इनका लैंड को गिरवी रखना पड़ेगा चाइना के साथ। पाकिस्तान को विल बिकम सम काइंड ऑफ अ वासल स्टेट टू यूएसए, सॉरी चाइना, और यूएसए इसको होने नहीं देगा। यूएसए राइट, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक लॉबी है वो पाकिस्तान को सरवाइव कराना चाहती है, पाकिस्तान को वो बचाना चाहती है, तो वो लॉबी भी वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आगे जाके देखेंगे तो अगर पाकिस्तान जिस तरीके से भी सरवाइव करेगा, चाहे वो इट विल बिकम सम लाइक थिंग लाइक सोमालिया, कोई बोलता है लेबनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, कोई बोलता है सोमालाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, समवन सेज बिकर जाएगा, जिस तरीके से भी कुछ भी हो, पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम अ सम काइंड ऑफ अ बैटल ग्राउंड स्टेट। को भी बात समझ आ राइट। सो द डिस्कशन ऑन सीपीसी क्लियरली टोल्ड अस दैट सीपीसी इज नॉट गोइंग टू रिवाइव पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल बिकम काइंड सम काइंड ऑफ अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। But the question which we have to see is what will be the future of Sino-Pak relationship, right? Considering the state of CPEC or the issue which happened 2 days back on that blasphemy jo engineer ko bachana hua and the kind of radicalization. And, you know, that's important. We have to take it into consideration. And I would also like to point one thing out before give it over to you. What General Satish Dhawan says and what General KJ Singh has now said in that video bears that the West will not let Pakistan go, right? So there is something happening there, right? So first I'll give you the choice, General Dushyant. Aap baat kijiye CPSA ke baare mein and the blasphemy thing, and then we'll go to Satish. Thank you, sir. In fact, main itne der tak bahar tha. तो अच्छा हुआ आपने मुझे चांस दिया है। या डेफिनेटली माय नॉट, मैं भी बोलने वाला वॉलंटियर करने वाला था कि जब तक आप लाइन पे आप बोलो पहले। हम तीनों यार एक ही टाइप के सोचते हैं, हमने तीनों वी नो ईच अदर सो देयर नो क्वेश्चन। बिल्कुल सीपेक के बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि बायलेटरल जो डेट है पाकिस्तान का वो है $30 बिलियन इस समय, और इस $30 बिलियन में से $26 बिलियन जो है वो चाइना के साथ। अब आप समझ रहे हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं कि चाइना इतना बुरी तरह इसके अंदर धंस गया है दलदल में कि उसको अपनी सिचुएशन सैलवेज करनी ही करनी है। इट हैज नो चॉइस बट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम ऑफ इट्स डेट विच इज देयर इन पाकिस्तान। सो देयरफॉर आई फील साइनो पाक रिलेशन विल कंटिन्यू द वे इट इज कंटिन्यूइंग विद द एम दैट चाइना जो है वो कोशिश करेगा कि अपना जितना भी पैसा वो रिकवर कर सके रिकवर करे। डेट देने वाला और डेट लेने वाला दोनों ही इक्वल रिस्क में होते हैं और आज की डेट में चाइना ने हर जगह हाई रिस्क जगहों पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, चाहे अफ्रीका में कई सारी कंट्रीज हैं उनको ले लीजिए। तो मेरा मानना है कि इट विल ट्राई टू एक्सप्लॉयट द बॉर्डर पोर्ट एक्ट पोर्ट, it will try to exploit as much of electricity which it can generate if the damar bhasa jo dam hai wo agar ban jata hai time se wo to 10-15 saal ka time wo bhi hai, but koshish karega ki wo kitna ho sakta hai yahan se extract kare. So china is going to remain in pakistan. Yeah. problem yahan kya aayegi ki being a battleground state america ka interest khoyega nahi. Yeah, we'll talk about the battleground state a little later. Yeah. So, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इस समय
एक एक तरह से उसके पास लाइफलाइन है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, दैट इट विल गेट द सपोर्ट इन सम फॉर्म और द अदर ऑफ चाइना एज वेल एज द वेस्ट. एंड आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो उसको समय समय पर जीवन दान देती रहती हैं. लेकिन जैसा जनरल केजे ने बोला था कि 1 or 2 billion से ज्यादा इनको नहीं मिलेगी मदद, right. क्योंकि yeah, क्योंकि उससे ज्यादा मदद मिली तो ये फिर चढ़ जाएंगे. तो इसको कंट्रोल में रखा जाएगा, सिचुएशन इसी तरह रंबल ऑन करेगी. दैट इज माई दैट्स फाइन. या योर टेक सतीश. मैं जनरल दुष्यंत से सहमत हूं बिल्कुल कि ये सीपीसी उस रूप में तो बिल्कुल नहीं सार्थक होगी जैसे सोचा गया था. हाँ, अपने टू कट देयर लॉसेस जितना फायदा उठाना चाहेंगे वो, एक तो चाहे पाकिस्तान में जो इन्होंने रीजंस दिए उन्हीं रीजंस की वजह से वो घुसे रहना चाहेंगे. ग्वादर पोर्ट को जरूर इस्तेमाल करेंगे. ग्वादर पोर्ट में एक मतलब एक प्रेजेंस, अगर वो सीपेक कॉरिडोर के एंड में ना भी मानते हुए एक प्रेजेंस जो इस इलाके में उनको मिलती है इंडिया के नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट में, तो वो प्रेजेंस को वो जरूर एक्सप्लॉयट करना चाहेंगे. और यकीनन वो रोड भी जिस तरीके से भी चलेगी कुछ हद तक उनको एक एक्सेस मिलता है वार्म वाटर पोर्ट में, तो वो ग्वादर को जरूर एक्सप्लॉयट करेंगे. वहां पे अपनी मिलिट्री बेस यानी नेवल शिप्स को लाना चाहेंगे और आगे जितना एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. बाकी जैसे हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और जैसे भी जनरल दुष्यंत ने कहा, सीपेक जैसे सोचा गया था वैसा वो ऑलरेडी फोरगॉन कंक्लूजन वो वैसा नहीं होगा. राइट, सी द पॉइंट व्हिच आई हैड, you know, which I want to throw upon to you again back this, because this is a pretty important question, because China-Pakistan relationship will be a very important factor in the way we deal with Pakistan. Pakistan can never repay China back. China also knows that. And ye history hai China-Pakistan ka, inhone ek paisa, ek phuti kodi bhi kisi ko wapas nahi kiya. So, China is going to get the, not get money back, it is going to get its strategic reward back in terms of 2-3 things. One is Gwadar port itself. Second, it will get land, because land se inka food security, China ka food security ka solution hota hai. But the point which I wanted to talk of is this business of blasphemy, radicalization. You know, where they tried to hang, get hold of the Chinese engineer who are to be flown out of Dasu Dam, and now Dasu Dam job is stuck, band ho rakha hai. This will be an irritant between Pakistan and China in times to come. Your views. 1 minute each and then we'll go to the next one. Sorry, main bolu? Yeah, please. Okay. Dekhiye, ye engineer wali issue ya aise koi aur ghatnaye, pehle bhi ek ghatna hui thi 2 saal pehle. Yes. Aisi ghatnaye tactical issues hain. Ye hongi. ये चलता रहेगा क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का कल्चर बेसिकली डिफरेंट है, तो वो घटनाएं तो होंगी, वो खत्म नहीं होंगी. लेकिन लार्जर इश्यू जो है वो ये है कि रेडिकलाइजेशन के अलावा मेरा मानना ये है कि चाइना और पाकिस्तान का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है एंटी इंडिया. या दैट आई एग्री, योर पॉइंट टेकन. वो आप देखते हो तो दैट विल पेपर ओवर मेनी थिंग्स. वो कई एक छोटी छोटी घटनाओं को वो पेपर ओवर कर लेंगे क्योंकि एक कोल्यूसिव थ्रेट इंडिया के लिए बनती है. राइट, या योर व्यूज जनरल दुष्यंत. आई टेंड टू एग्री विद व्हाट जनरल दुआ इज सेइंग विद 2-3 एडिशनल क्वालिफिकेशंस. फर्स्टली वो ये है कि रेडिकलाइजेशन एक यथास्थिति है, ये एक रियलिटी हो गई है आज के परिप्रेक्ष्य में, स्पेशली एफपैक रीजन में, और चाइना इससे भली भांति परिचित है. लेकिन चाइना का जो अप्रोच रहा है वो हमेशा इंगेजमेंट का रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो. अफगानिस्तान में वो करता है जिनजियांग की अपनी बचाव के लिए, और पाकिस्तान में कर रहा है अपने एसेट्स और इंटरेस्ट जो उसके फंस गए हैं वहाँ पे उसके लिए कर रहा है, और एंटी इंडिया जो बात इन्होंने कही थी. लेकिन जो उससे ज़्यादा खतरे की बात हमारे लिए ये होगी कि अगर चाइना अपने ट्रूप्स यहाँ प्लेस कर देता है टू कंट्रोल रेडिकलाइजेशन, वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी होगी. हमें उस रेडिकलाइजेशन में चाइनीज डिप्लॉयमेंट के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा. राइट, ओके. सो
we'll have to see, watch this situation closely. The thing which comes out is CPC might not help Pakistan, right? But CPC jis tarike se bhi chale, wo hamare liye, it will be a problem, right? Jis tarike se, right? At the same time, CPC is not going to revive Pakistan. And this is my opinion, with the kind of attacks which have come in, you know, whether it's in the Dasu project or in the against the Confucius Center in Karachi or in, you know, Gwadar itself, because the Gwadar Hagdo Tariq is quite a powerful movement. It's not a simple movement. The road between China and Pakistan is going to be rocky. And this is something which we need to focus on, and it will give us openings. So we'll leave it at this, right? We can come back later. The next talk I had was with Tahir Gora and on where Pakistan is headed. And that is a very interesting talk I had. I'll give you excerpts of that. He made a lot of sense. Yeah. Ab Pakistan is jagah pe pahunch gaya hai jahan pe Americans have understood the betrayal of Pakistan. अब पाकिस्तान उस स्टेज पे आ गया जहां पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं, जो मुस्लिम कोट एंड कोट फ्रेंड्स हैं, दे हैव अंडरस्टूड पाकिस्तान्स स्टुपिडिटीज एज वेल. ठीक है, अब कोई खुल के इनको पैसा नहीं दे रहा. अच्छा, अब वो जो चाइना, जिनके साथ इनकी हिमालय से ऊंची समुद्रों से गहरी दोस्ती है, वो चाइना भी समझ गया कि भाई ये तो सिर्फ खाने के लिए है. इनको अगर हम 10 रुपए देंगे तो 10 के 100 भी बन जाएंगे हमारे, लेकिन वो मिलेंगे नहीं, 100 वापस नहीं आएगा. हाँ, वो किताबों में लिखा जाएगा कि हमारे 100 हो गए हैं, लेकिन वो 100 आएंगे कैसे? ठीक है, वो बायकाटा है, वो काता मेंटेन करते रहिए. पाकिस्तान ने किसी ने किसी को मत कुछ नहीं देना जी. एंड ये इनका इट विल नॉट गो बैक, नथिंग विल गो टू चाइना. वो सर अब यही है कि वो टेरिटोरियल क्लेम करेगा, कोई माइंस ले लेगा. मतलब चाइना इज स्मार्ट इनफ. वो लैंड लेंगे, पाकिस्तानियों से काम कराएंगे, बिकॉज चाइना फूड इनसिक्योर, यहाँ से फूड जाएगा पाकिस्तान चाइना, इसमें दो राय नहीं है. ग्वादर को ओवरऑल आज नहीं तो 5-10 साल के बाद ग्वादर के ऊपर इनका पूरा कब्जा हो जाएगा. एंड यू विल फाइंड पाकिस्तान इज वर्किंग फॉर चाइनीज, सर. Right. So this is what I had the talk with Mr. Tahir Gora. It was a very interesting talk, right? And interesting points have come out. You've seen that, you know, Pakistan's losing friends, and their friends, like you also said, they're going to only trickle feed them. So in this situation, where do you see Pakistan going in the international community? पाकिस्तान, जहां तक मेरा मानना है, और मैंने पहले भी ये बताया था कि डिस्पाइट ऑल दीज, जो हम लोग भी इसी बात को दोहरा रहे थे जो गोरा साहब ने बताई है, लेकिन उसकी जो पोजीशनिंग है, अगर आप पार्टीशन के टाइम पे भी जाएंगे तो इसको डेलिबरेटली क्रिएट किया गया था, करेक्ट, एज अ बफर स्टेट बाय द वेस्ट अगेंस्ट इनिशियली रशियंस, but now it is also Russia and China. So therefore my take on this is that Pakistan will remain in this state of chaos, or I would say a state of stability instability framework, because of the two factors, US or the West and the Chinese, both yeah. have their interest. Dono ka yahan interest hai abhi Pakistan mein. Pakistan khud agar apne aap ko kuwe mein dal de to wo alag baat hai. Yeah, we'll just talk about that battleground thing is just going to come up now. Yeah. So, लेकिन इस समय मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इसी स्थिति में at least short term में तो रहेगा, जब तक वो economic survival नहीं अपना ठीक करता है, जब तक वो अपनी economy को ठीक नहीं करता है, वो इसी state में घूमता रहेगा. I'll take you up on this short term and versus long term, because we discussed the economy. इसके बारे में बाद में बात करें. Yeah, your take, Jim Satish. देखिए, पाकिस्तान में ये इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी, यहां तक मैं जनरल दुष्यंत से सहमत हूं. और मेरा ये मानना है कि वन वे और द अदर,
जैसे भी पहलू बैठेगा अगले 6 महीने में, वन वे और द अदर, ये इवेंचुअली थोड़ा आज से बेहतर ये स्टेबल हो जाएंगे, पॉलिटिकली हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे, या जैसे हम पहले उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, कंसेंसस कैंडिडेट आएगा, उसको निकाल देंगे इमरान खान को, या उसको कुछ जो भी करेंगे, पॉलिटिकली इट आज से बेहतर होने की संभावना है. अक्टूबर आई एम सेइंग 6 महीने, यानी इस साल के एंड तक. अभी नहीं, अभी टर्बुलेंस रहेगी. फिर क्योंकि विदेशी ताकतों का इंटरेस्ट है, और जैसे मैं शायद एक बार पहले भी कह चुका हूं कि जो बहुत बड़ी एक त्रुप का चाल इनके पास है वो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. जब तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जैसे हमने लीबिया में देखा था, जब तक वो इतनी आसानी से यूएस हो चाइना हो इनको आसानी से बिखरने नहीं देंगे. हम बड़ी आसानी से सोमालाइजेशन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ से ये है कि अगले 6 महीने में कुछ ना कुछ होगा. आज नहीं तो कल इनको विदेशी ताकतें देंगी. इकोनॉमी में हम बात करेंगे, शायद एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कुछ और चीजें हैं जो इनको थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं से सहारा मिलने की संभावना है. क्योंकि अगर आपने बिखरने नहीं देना है तो थोड़ी इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी, और यही मेरा मानना है कि इनको कहीं ना कहीं से या इस्लामिक देशों से थोड़ी थोड़ी करके सपोर्ट ट्रिकल मिलेगा. आसानी से आसान नहीं होगा इनके लिए, लेकिन कुछ वे एड निकालेंगे. सो ऑल दीज 3 एंटिटीज, द वेस्ट, चाइना एंड द मिडल ईस्ट, right, and the Gulf Islamic countries and the Islamic world, and to some extent even Russia bhi isme shamil hai. Inka koshish ye hoga ki Pakistan ko bikarna nahi dena. Inka koshish yehi hoga ki kuch na kuch paisa dete raho inko, right, taki ye it will survive. But there's another reality. All of them are interested in the reality, are interested in the survival of Pakistan. But the other reality of Pakistan is that Pakistan has also become a battleground state. Iske bare mein humne baat bhi kiya. There's a contradiction which is coming up in Pakistan, which is a very interesting contradiction, and which we need to factor in. And this is what I spoke with Brigadier Arun Sehgal. I'll just show that video to you. It was a very interesting short video, but he puts it across beautifully. Battleground state is a region or a country. It is the site of an ongoing or a potential conflict between opposing forces. This conflict can be a result of political influence, location, or resource, and which makes the state a target of competing interests. This puts the state at the risk of being caught up in the middle of larger conflict or struggle for power. अभी आपने 8-10 मुद्दे जो शंकर साहब से सुने, यू विल रियलाइज दैट पाकिस्तान स्क्वेयरली लैंड्स अप इन दिस डेफिनेशन ऑफ अ बैटल ग्राउंड स्टेट. इकोनॉमिक मैनेजमेंट, राइट. सो दिस इज व्हाट इट वाज, यू नो, वी हैड स्पोकन. 1 मिनट, आई विल टेक दिस ऑफ एंड देन वी विल टॉक. या दिस व्हाट इट हैड कम आउट, दैट व्हाट इज अ बैटल ग्राउंड स्टेट. And you see that it is a battleground state. In my own view, there will be no violence in this battleground. But what do you think will be the shape of this battle, and how will it affect the earlier thing? That how do you see this contradiction? Yeah, Satish, you go first. You're jumping off. देखिए, एक तरफ आज दुनिया देख रही है, हम सब देख रहे हैं, यूक्रेन इज अ बैटलग्राउंड स्टेट. करेक्ट. क्या हम इसको, जो बहुत अच्छे तरीके से समझाया अभी के वीडियो क्लिप में ब्रिगेडियर सहगल ने, तो क्या हम इसको यूक्रेन टाइप ऑफ बैटल ग्राउंड स्टेट मानते हैं? नो, मेरी समझ से नहीं. मेरी समझ से वो वैसा वाला बैटल ग्राउंड स्टेट नहीं है. हाँ, उसमें कंपीटिंग इंटरेस्ट रहेंगे, कंपीटिंग इंटरेस्ट, और इनको एक्सटर्नल इंटरेस्ट के अलावा इंटरनली भी एक बैटल ग्राउंड स्टेट है. टेररिज्म, इकोनॉमी प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये इंटरनली भी एक बैटल ग्राउंड स्टेट है, और एक पहलू में नहीं,
जैसे मैंने गिनाया कि कई पहलुओं में ये बैटल ग्राउंड स्टेट है, और इंटरनल रिफ्ट पाकिस्तान जुडिशरी में, आर्मी में, पॉलिटिक्स में, तो वो सब चीजें एक दिस स्टेट बैटल ग्राउंड स्टेट रहेगी, इट विल नॉट बी एट पीस विद इटसेल्फ, टर्मोइल सा रहेगा, टर्बुलेंस ही रहेगी। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की, दूसरे देश इसमें इंटरेस्ट देते दिखाते रहेंगे, थोड़ा बहुत इसको इसका सर पानी से बाहर रखेंगे, लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये यूक्रेन की तरह एक बैटल ग्राउंड स्टेट बनेगा तो वो मेरे या टेक मैं भी बिल्कुल इसी बात से सहमत हूं कि रशिया यूक्रेन की तरह का बैटल ग्राउंड स्टेट नहीं होगा। ये मेरा मानना है कि इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के थ्रू इसके ऊपर बैटल ग्राउंड बनाया जाएगा, बोथ चाइना भी करेगा और वेस्ट भी करेगा। मैं यूएस जानबूझ के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस और प्रो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं वो लोग मिल करके काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चाइना यूएसएसआर चाइना रशिया एक फ्रंट बनेगा और एक वेस्ट वेस्टर्न फ्रंट बनेगा, और दोनों का इन्फ्लुएंस ऑपरेशन यहाँ पे चलता रहेगा, जिसकी वजह से इंटरनल जो बात कही है दुआ जी ने, पॉलिटिकल टर्मोइल भी होगा और इनका इकोनॉमिक टर्मोइल भी होगा, सारी चीजें होंगी इनके अंदर। तो इसीलिए जो मेरा ये मानना है कि बैटल ग्राउंड स्टेट यस, एंटी इंडिया कन्वर्जेंस चाइना और पाकिस्तान का वो भी यहाँ पर एक मुद्दा बनेगा बैटल ग्राउंड के लिए। मेरा कहने का मतलब ये तीन चीजें यहाँ पर दिखेंगी आपको, चाइना रशिया, वेस्ट एंड एंटी इंडिया कन्वर्जेंस। व्हाट कैन इंडिया डू वी विल डिस्कस लेटर। Yeah, we'll discuss. But the point, jo aap, you know, which has come out, for just this factor, battleground state, you have to look at Pakistan long term hereafter. Is this battle between the West and China for influence, resources, nuclear weapons, right? The nukes, that there will be a battle for control of them in some form. There might not be nothing physical, but it will be there, right? And big power contestation will all be taking place through a surrogate Pakistan. Thus, Pakistan will become the surrogate. Right? This opens up opportunities for India and it poses problems also for India. And we have to start recognizing this and thinking afresh. And that is what I wanted to bring out in this whole thing. We'll have a call in the last one. And of course, last, General Dushyant and I, we discussed the economy. We'll go through the clips of the economy and then we'll have a wrap up. Pakistan has steadily deteriorated to the point where the economy has lurched from one financial crisis to the next. At the heart of the problem has been poor management of public finances, deep-seated unresolved structural issues in the economy that bad management and poor governance have exacerbated. अब आप इसे सोचिए, 20 साल पहले एक उनके इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली थी, आज कितनी सच हो रही है। आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हाई इन्फ्लेशन, पुअर पब्लिक सर्विस, ये उन्होंने उस समय लिखा था और आज ये सब आप देख रहे हैं अपनी आंखों से होते हुए। वाइड स्प्रेड करप्शन, क्रिपलिंग पावर आउटेजेस, मेट्रो पूरी की पूरी खड़ी हो गई, 24 घंटा पाकिस्तान में, मेन पाकिस्तान में लाइट नहीं थी और कई जगहों पर तो 48 घंटे तक लाइट नहीं रही। पॉवर्टी, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में उनकी हालत क्या हो गई, ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। डेट प्रोफाइल, मैं तो बोलूंगा ये वो थे नॉस्ट्रादमस से पाकिस्तान। तो इसी से आपको अंदाजा लग रहा है कि जो मैंने बात बोली थी, बुनियादी ढांचे में ही कमजोरी है। तो समरी में अगर मैं कहूँ उनके जो पाकिस्तान की जो हालत है, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मैसिव करप्शन, पॉलिटिकल और मिलिट्री क्लास, लास्ट प्रायोरिटी टू गवर्नेंस जो कि अभी हमने बात करी है, बेल आउट पैकेजेस का उनके पर कोई असर नहीं होता, 1958 से इन्होंने शुरुआत करी और आज तक चलती जा रही है, एक्सेसिव अलोकेशन ऑफ बजट फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द एंटायर पाक बजट, डाइवर्शन ऑफ प्रीशियस नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर मुल्ला ब्रिगेड, मैंने इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन ये लोग जिस तरह से पैसा बहाते हैं टेररिज्म के ऊपर, जिस तरह से पैसा बहाते हैं रेडिकलाइजेशन के ऊपर, मेरे ख्याल से इनको इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। दे हैव टू लुक इनवर्ड
टू सी वेयर दे आर वेस्टिंग देयर मनी. देखिए पानी जो है ना बेसिक चीज है, कहीं भी जीवन के लिए पानी चाहिए. पानी का जो मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान में इतना हुआ है कि वो दे विल नेवर बी एबल टू रिकवर आउट ऑफ इट. मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ. और जब तक इनका जब पानी का सिचुएशन रिकवर नहीं होगा, पाकिस्तान विल नॉट रिकवर. इसका दो कारण है, मूल कारण. पाकिस्तान इज स्टिल एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइट. इनका जो फ्रॉम अ फूड सरप्लस नेशन टू बिकम अ फूड डेफिशिएंट नेशन, इसके 5-6 साल लगे हैं. और ये पानी के किल्लत के कारण, ये इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है. तो दूसरी बात, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, 20% जो इनका इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर में डूबा हुआ है, पर इसमें 40% लोग, इनका व्यवसाय एग्रीकल्चर है. अगर 40% लोग पाकिस्तान में, इसका मतलब 100 मिलियन लोग को उनका रोजमर्रा का जिंदगी अगर अफेक्ट हो गया तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, राइट. सो दिस वॉज वॉट वी स्पोक अबाउट द इकोनॉमी. सिंस जनरल दुष्यंत एंड आई स्पोक अबाउट इट, जनरल सतीश आप का कमेंट्स दीजिए, देन वी विल गो टू द फाइनल रैप अप ऑफ दिस होल स्टोरी. या देखिए पानी की बात पहले लेते हैं, तो मेरा भी ये मानना है कि पानी एक ऐसा टूल है जो भारत ठीक तरीके से एक्सप्लॉयट नहीं कर पाया. अपर राइपेरियन स्टेट होने के नाते, जो हमारे इंडस बॉर्डर ट्रीटी के तहत, अगर हमने जो अपर 3 रिवर्स का इंडस जेलम चनाब का जो पानी हमने इनको देना है, उसमें 19.52 मतलब नियरली 20% हमारा भी है. हम वो ले ही नहीं पाते हैं. मतलब हमारा अपनी वाटर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, चेक डैम्स वगैरह बना करके हम अगर उसको लें. लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बड़ी बात है जब आप कह रहे थे पंजाब हार्टलैंड, पाकिस्तान का जो पंजाब और हार्टलैंड है, जो नीचे की 3 रिवर्स हैं जिसका पानी हमें लेना है, हमारी उसकी मैनेजमेंट और डैम्स इतने अच्छे नहीं है. अगर हम उसमें ठीक तरीके से सोच समझ के इन्वेस्ट करें और वहां पानी ना जाए, हम अगर पानी ना जाए तो फिर हम एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है उनके लिए. और ये बड़े लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले इनके प्रोजेक्ट्स हैं. अगर अगर इनको हमें ठीक तरीके से वाटर मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि एग्रीमेंट वाटर एग्रीमेंट के इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रहते हुए भी हम क्या इसमें कर सकते हैं. या पॉइंट टेकन. नाउ वी गॉट अ गुड फुल हैंग ऑफ द होल थिंग. हमने देख लिया कि इकोनॉमी डूबा हुआ है, पानी का प्रॉब्लम बहुत संगीन है. इट्स बिकम अ बैटल ग्राउंड स्टेट, देयर्स एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन, राइट. देयर फ्रेंड्स आर गिविंग अप ऑन पाकिस्तान, दैट्स व्हाट ताहिर गोरा वेरी क्लियरली ब्रॉट आउट, राइट. And then, of course, the CPC is going nowhere. It doesn't matter who comes back to power. PDM abhi power mein hai, unhone economy dubo diya. Agar Imran Khan kal ke din aayega, to tab bhi economy dubo dega. Chahe koi bhi power mein ho, inka political instability hoga hi hoga. And battleground hone ke naate, aur bhi problem hoga. Aur army, which was the strongest element of Pakistan, the first and the last bastion of Pakistan, that is also in some problems. There might be... It might not break up, I go with you, but the fact is that it has some problems. It has not been able to exert itself the way it used to exert earlier. Ek zamane mein agar aise sthiti hota to by now martial law would have been in place. There must be some reason it is not happening. So these are the conditions. This is a thing. Where do you see Pakistan going, and what should be our overall policy in handling Pakistan? Who wants to take it on first? So we'll give it to Dushyant. We'll go ahead. Okay sir, what I will do is that main is baat pe thoda sa ek positivity lana chahta hu Pakistan ki taraf se. Yes, must we see, we have to see both sides. Yeah, we can't see one side only.
अगर हम पाकिस्तान को देखें कि वो अभी तक सर्वाइव कैसे कर रहा है, तो मेरे 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 ध्यान मेरे मेरे हिसाब से चार चीजें जो हैं जो उसके लिए काम करती हैं। पहला है आर्मी, जो कि इस समय माना कि रिफ्ट है, लेकिन फिर भी उनका आज सबसे बड़ा अगर स्टेबल इंस्टीट्यूशन है कोई उस देश में, तो वो आर्मी है, तो उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि उसके तहत वो कुछ ना कुछ अपने आप को संभाल सकता है। दूसरी चीज जो उसके पास स्ट्रेंथ है और जिसका कि काफी जिक्र नहीं हुआ था होता है, वो है इनफॉर्मल इकोनॉमी। 1.6 ट्रिलियन काफी बड़ा अमाउंट होता है। इंडिया की अभी जो जो डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है इट्स अराउंड 3 ट्रिलियन, आधी इकोनॉमी तकरीबन हमारी उसकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, हालांकि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी भी 15 ट्रिलियन के करीब है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी चल रही है ना साउथ एशिया में, That is also a big thing which will keep it going. The third thing, and यहाँ पर मैं चाइनीज की उस saying की बात करूंगा, वाईची। वाईची का चाइना में opportunity और threat के लिए कोई अलग word नहीं है, वो एक ही word है, खतरा में opportunity है, उसको बोलते हैं वाईची। Battle ground state उसकी एक वाईची है। Okay, they can exploit everyone. Absolutely, वो क्या कर रहा है कि सबको एक्सप्लॉइट करके अपना काम, तीनों को, दो को नहीं तीनों को, किसी ने भी एक्सप्लॉइट करेगा, रोल इन कर रहा है। चौथा जो पॉइंट है, कन्वर्जेंस ऑफ चाइना पाक इंटरेस्ट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। ये जो चार चीजें हैं, मैं इसको मानता हूं कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है। उसकी कमजोरियां तो हमने सारी गिना दी है, सातों एपिसोड हमने बात की है कमजोरियों के ऊपर ही बात की है। अब हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, ये जो इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, इनको और कमजोर कर। ओके। अब इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा बाद में भी कर सकते हैं कि किस तरह से इनको हम। नो नो, फाइन, गो अहेड, डोंट वरी, वील टेक टाइम, वी आर ओवरशूटिंग टाइम, बट वील गो द होल हॉग। सो व्हाट आई एम सेइंग कि वी शुड फोकस ऑन दीस फोर बिग पिलर्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड स्टार्ट मेकिंग देम वीकर in this, as this go, right. in this department. Okay. I think rest he Jaldua, yours, your floor is yours. तो मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा जनरल दुष्यंत के, जो यू नो पाकिस्तान ड्रॉज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस। वन इज आल्सो लोकेशन, इट हैज अ वेरी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये लोकेशन जो है इनकी, अमेरिका का जो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए रहा है, एक तरफ चाइना, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान, तो उनके लिए एक एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन, और शायद आने वाले समय में इंडिया पे भी थोड़ा चेक रखने के लिए, तो वो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज वेस्ट, जैसे दुष्यंत कहते रहे हैं वेस्ट, लेकिन मतलब अगर अमेरिका खास तौर पे देखो, स्पेसिफिकली अमेरिका क्यों नहीं अब क्यों थोड़ा सा अपना हाथ खींच रहा है, क्यों संकोच कर रहा है, क्योंकि आज 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 की तारीख में उनको इतनी जरूरत नहीं है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान की इशू उनके लिए टेक्टिकली रिजॉल्व हो गई है, और उनको तो जब जरूरत थी तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट देते थे, तो आने वाले समय में शायद उनको सपोर्ट मिले। तो लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक चीज मैं जो पहले दो बार रिपीट कर चुका हूँ, इज द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस्लामिक कंट्रीज में, पूरे दुनिया में पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री, किसी के पास नहीं है, एकमात्र इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो ये दोनों फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम इनको डाउन प्ले कर पाएंगे, जैसे जितना दुष्यंत की थ्योरी देखते हुए कि हमें डाउन प्ले नहीं, मेरा मतलब हाउ डू वी अटैक दीज स्ट्रेंथ्स, यानी कि इंडिया के लिए क्या है। तो वो एक, तो आपके लिए मैं दो पहलू ये शामिल करना चाहता हूं, और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इंडिया क्या करे इस हालात में, इंडिया को क्या करना है, जबकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं शायद एक से दो बार, कि आज की तारीख में पाकिस्तान जब इतने क्राइसिस के कगार पे खड़ा है, तो वो उसको एक्सटर्नलाइज जरूर करेगा, और एक्सटर्नलाइज करने में सबसे बड़ा पहलू इंडिया है।
ऑलरेडी वो रिपोर्ट दे चुकी है कि इंडिया एक थ्रेट है, ये बलूचिस्तान रिबेल्स के साथ जो रॉक आरएनएडब्ल्यू कर रहा है ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वो ऐसे इतनी चीजें और ऑल आउट वॉर की बात कर चुके हैं, तो वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऑलरेडी देखने में आ गया कल परसों के अटैक से, तो यानी कि वो एक्सटर्नलाइज करेंगे। वी नीड टू बी वी कांट बी कॉम्प्लेसेंट कि भी पाकिस्तान एक फील्ड मतलब अपने अपनी मुश्किलों में है, बैटल ग्राउंड स्टेट है। इसी टाइम पे यही टाइम है जब वो स्ट्राइक करेंगे, और खुदा ना खास्ता अभी अगर उनके इंटरेस्ट को सूट करे पाकिस्तान मिलिट्री की चीज हाथ से बाहर चली जाए और पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों की कन्वर्जेंस हो, यानी कि पॉलिटिकली सिचुएशन खराब हो जाए, मिलिट्रिकली सिचुएशन खराब हो जाए, तो वो एक ऑल आउट नहीं तो छोटी मोटी झड़प इंडिया के साथ करना को से बाज नहीं आएंगे। तो हमें ऐसी हर सिचुएशन की तरफ नजर रखनी पड़ेगी जिससे कि हम मतलब वी आर नॉट कॉट अनअवेयर्स। सो दैट मींस आई मीन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से व्हिच आई गो विद यू 100% यू नीड टू बी अहेड ऑफ द कर्व। यू नीड टू बी अहेड ऑफ द कर्व। योर सर्वेलेंस मॉनिटरिंग एवरीथिंग शुड बी सो गुड दैट यू प्रीएम्प्ट any move from any violent move from that side and scotch it. Am I right? Absolutely. आपकी अंग्रेजी मेरी हिंदी से ज़्यादा अच्छी है। नहीं, इसलिए मैं नहीं चुभी रहा हूँ तुम्हें। Yes. नहीं, look, I speak in English once in a while because there are English speaking people also who want to, yes. Right? So when that's the only thing. So we need to be, yeah, that's a for this thing. So we need to have some humor also, right? Then okay. So we need to be ahead of the curve and we need to preempt Pakistani false flag operations. We should, you know, beforehand tell everyone, look, we are off hands with Pakistan. They are trying to conduct a false flag operation. Use your pressure on them to defuse it. And kaas karke, of course, China will not listen. We need to use USA. Because their strategic interests are involved. Because if there's a problem today between India and Pakistan, the Indo-Pacific Arc security architecture is also at risk. So while Pakistan has to be told, USA has to be told that. Has to. And second, we need to use the good offices of the Saudis and the Middle East and West Asia to control the situation. So that is, I think, a very important thing. The second thing, which I think consensually it has come out, in all our talks with all of you, is that we should just leave them alone. Let them stew in their own juices. There are some nice voices which start coming in India which say, bhai, unko madad karo, you know, all that. Just leave them alone. The better you, the more they stew in their juices, let them do, right? We need not provoke them. We need not take any preemptive action against them where there's violence involved. I think that generally wraps up what we need to do. You have any other point to add? Otherwise, I have a few things before we wrap up and take some questions also. You're okay? Absolutely fine. Today, I read this thing from Parvez Hoodboy. You know, there's a nice article in South in Dawn. I'll just read it through. It'll take 2 minutes. He says, on the various issues we spoke also, the Chinese are the most privileged and protected of all foreigners. Multiple layers of police and specially created army units keep them from harm's way. But as this week's event showed, even these precautions could not protect the Chinese from maddened, religiously charged mobs. So that puts a lot of things at risk and puts things in perspective. He also adds, adding to the general perception of Pakistan as a dangerous place earlier this week, Sweden announced indefinite closure of its embassy, which is a fact. And not far from it is the Denmark embassy, which was car bombed in 2008. Many of us forget that. Two other European embassies are said to have also quietly shut down or restricted their operations. Even in normal times, diplomats in Islamabad stay largely within the red zone. So that equations with the West or the diplomatic community in general is not going well. Okay, this is a very interesting kind quote from there. He says, those who run Pakistan have long assumed
that religion alone can stick together Pakistan's various regions. Maximum amounts of this epoxy must therefore be injected everywhere possible, particularly in education, so that education is also getting Islamized. To quote General Ziaul Haq in 1981, take Judaism out of Israel and it will fall like a house of cards. Take religion out of Pakistan, it would make it a secular state and it would collapse. So you see the importance of religion, which is coming up bar, and it is only going further down, right? The last one is this, the pure fantasy of a theological state, specifically those of Ziaul Haq's Nizam-e-Mustafa, which is gone, forget it, or Imran Khan's Riyasat-e-Madina. This is important. Ye aaj ka Riyasat-e-Madina hai, with General Dua, you and I had spoken about, if you remember. It is very much aligned in Pakistan. Oh, the next thing which he talks, he says the leaders of autocratic and authoritarian countries like Saudi Arabia, Egypt, Morocco, and Turkey are not peddling hype of some imagined past. Instead, Prince Mohammed bin Salman has vowed to transform the hardline kingdom of Saudi Arabia into an open society that empowers citizens and lures investors. The hyper-religiosity promoted through the state institutions and the toxic education in our schools is not getting us admiration anywhere. Instead, it is producing a wild, uncontrolled population. Even our friends fear us now. This is very, you know, it's actually a chilling testament of where Pakistan is today. And by Parvez Hoodboy, who is a scientist and a political thinker. And such sentiments have come out from all over.